चंदौसी विधानसभा से सपा की विमलेश कुमारी ने पूर्व सांसद जावेद अली खान के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार विमलेश कुमारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी उम्मीदवार विमलेश कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजूदा चंदौसी से विधायक ने चंदौसी के साथ धोखा किया है। जिस रफ्तार से चंदौसी का विकास होना चाहिए था वह रफ्तार कहीं भी देखने को नहीं मिली। आज भी चंदौसी की सड़कें गड्ढा युक्त हैं, विमलेश कुमारी ने कहा। चंदौसी की जनता में मौजूदा भाजपा विधायक के खिलाफ विरोध नहीं विद्रोह है। समाजवादी सरकार बनेगी तब चंदौसी का बहुत तेजी के साथ विकास किया जाएगा। देखिए, क्षेत्र में मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस सरकार ने जनता के हित का कोई कार्य नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि जनहित के कार्य समाजवादी हमेशा से करती आई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा, फिर हमारे सड़कों का मुद्दा, अगला हमारा कि जो हमारे छोटे छोटे परिवार हैं जिनको छोटी छोटी सुविधाएं जैसे कि आपके 60 साल है, विधवा पेंशन है और कन्या विद्याधन है, इनसे संबंधित जो और प्रमुख समस्याएं खासतौर से शिक्षा पर यहाँ किसी भी विधायक या मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया। हमारे क्षेत्र में कोई विकास का जो है रास्ता खुला हुआ हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं दिखाई देता और तमाम तरीके से जैसे महंगाई लगातार बढ़ी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है और हमारे क्षेत्र के आवागमन की स्थिति भी देहात क्षेत्र की बहुत दयनीय है। उन सभी मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी क्षेत्र में उतरी है और जो है चुनाव लड़ रही है 2022 का। मुझे पूरी उम्मीद है अपनी क्षेत्र की जनता से कि वह परिवर्तन की लहर के साथ समाजवादी पार्टी को सिंबल पर, साइकिल के बटन पर अपना मोहर, अमूल्य वोट दे करके समाजवादी के सिंबल को विजयी कराने का काम करेगी और अपने हक में समाजवादी को जिताने का काम करेगी, क्योंकि वही पार्टी है जो आपके जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करती है और आपके सुख दुख में और आपके जनहित कार्य लागू और योजनाएं लागू करने का कार्य करती है। सर, देखा जा रहा है कि एक वीडियो आपको वायरल कर रहे हैं भाजपा से जुड़े हुए लोग, क्या वो वीडियो है, किस तरह से देखती है, किस तरह की राजनीति? देखिए, मैं नहीं जानती कौन सी वीडियो है, क्या है, मैं ना उससे कोई सरोकार रखती हूँ। और रही बात किसी की व्यक्तिगत लाइफ की, और सबको नृत्य करने का शौक़ है और ये शौक़ सबके दिल में होना चाहिए और किसी की कलाकृति से अगर किसी को जो है खुशी मिलती है और मैं किसी के चेहरे पर अगर खुशी ला सकती हूँ तो ये मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे इस जो है कार्य से किसी को खुशी मिली है और किसी के चेहरे पर हंसी आई है, तो ये मेरे लिए बहुत नेक कार्य है। देखा जा रहा है जो यहाँ से मौजूदा विधायक है और मंत्री भी हैं, सरकार में विरोध की जगह विद्रोह भी देखा जा रहा है, तो क्या जो नाराज लोग हैं उनसे उनको आप मना पा रहे हैं? वो नाराज नहीं है, वो बहुत परेशान हैं और वो परेशानी उनकी फूट रही है गुस्से के रूप में, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने उनको विधायक बनाया था और मंत्री बनी हैं तो वो किसी भी मुद्दे पर वो सफल नहीं हो पाई। क्षेत्र में लोगों की जो कार्य थे वो कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाए, क्षेत्र का में कोई विकास नहीं हो पाया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लोगों को कभी कोई लाभ नहीं मिल पाया। बताइए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हो रही है प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर, नर्सों की तैनाती नहीं हो रही है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।